वाहे गुरु जी का खालसा, श्री वाहे गुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की, सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु अमरदास साहेब जी की। सावन मल्ले को अहंकार हो जाना। जब लकड़ी की ज़रूरत पूरी हो गई तो गुरु जी ने सवार मल्ले को गोविंदवाल वापस बुला भेजा। मगर सावन मल्ले ने सोचा कि अगर मैं चला गया तो गुरुजी मुझसे अपना रुमाला ले लेंगे, तो फिर मेरी कोई मान्यता नहीं रहेगी, मेरी सारी शक्ति चली जाएगी। अच्छा तो यही है कि मैं गोविंदवाल ही न जाऊं, धन गुरु नानक। यह विचार करके जब सावन मल्ले ने गुरुजी की आज्ञा का पालन न किया तो गुरुजी ने उसकी सारी शक्ति वापस खींच ली। शक्ति के चले जाने के कारण सावन मल्ला बहुत पछताया और गुरुजी से अपनी भूल चूकने के लिए गोविंदवाल जाने के लिए तैयारी होकर उसने राजे को कहा कि अपने परिवार समेत गोविंदवाल चलकर गुरुजी के दर्शन करके अपना जन्म सफल कर लो। गुरुजी अपने सेवकों की मनोकामना पूरी कर देते हैं, धन गुरु नानक। राजे ने गुरुजी के दर्शन करने आना। सावन मल्ले की प्रेरणा के साथ राजा और रानी भी गुरुजी के दर्शन करने के लिए गोविंदवाल आ गए। पहले सावन मल्ला आप अकेले ही गुरुजी के पास हाजिर हुआ और माथा टेक कर कहा कि महाराज, हरिपुर का राजा अपनी रानी सहित आप जी के दर्शन करने आया है। गुरुजी ने वचन किया कि राजा पहले लंगर से प्रसादा खाकर फिर हमारे पास आए। अगर उसकी रानियां भी आना चाहे तो पहले वे सफ़ेद वस्त्र पहन कर आए, धन गुरु नानक। रंगदार वस्त्र पहन कर कोई ना आए, न ही कोई मुंह ढक कर आए। जब राजा इसी तरह गुरुजी की आज्ञा के अनुसार प्रसादा खाकर और रानियों को सफ़ेद वस्त्र पहन कर गुरुजी के पास उपस्थित हुए तो एक रानी ने गुरुजी के पास सिख बैठे हुए देखकर घूंघट निकाल लिया, धन गुरु नानक। गुरु जी ने उसको देख कर कहा कि यह पागल किस लिए आई है, क्या इसको हमारे दर्शन करने अच्छे नहीं लगते थे? आप जी के इस स्वाभाविक वचन के साथ वह रानी उसी समय ही रूप भूल कर चीखे मारती हुई बाहर को भाग गई। इस बात को देखकर राजा बड़ा चिंतित हुआ, उसको गुरुजी के वचनों पर बहुत श्रद्धा हो गई। राजा गुरुजी के दर्शन करके वापस अपने घर चला गया। गुरुजी ने सावन मल्ले की श्रद्धा और प्रेम को देखकर उसको फिर वह शक्ति प्रदान की और कहा कि आप हरिपुर जाकर गुरु सिक्की का प्रचार करो, फिर कभी मन में इस शक्ति का अहंकार न करना, धन गुरु नानक। राजा की रानी पागल हो गई। रानी की शादी गुरुजी ने अपने एक सिख सच्चन के साथ कर दी जो लंगर के लिए लकड़ियाँ लाता था, और अपनी कृपा दृष्टि के साथ रानी का रोग भी दूर कर दिया, धन गुरु नानक। बाबा दातू जी का विरोध। श्री गुरु अंगद साहिब जी के 2 सुपुत्र थे, बड़े दासू जी और छोटे दातू जी। जब श्री अमरदास जी की महिमा दूर दूर तक होने लगी तो दातू जी बहुत ईर्ष्या करके गुरु गद्दी संभालने के लिए गोविंदवार चले गए, धन गुरु नानक। गुरु साहिब जी संगत में अपनी गद्दी पर सुशोभित थे। दातू जी ने आते ही बड़े गुस्से से गुरु जी की पीठ में एक जोर की लाट मारी जिससे गुरु जी गद्दी से गिर पड़े, धन गुरु नानक। दातू जी अभी कुछ और करने के लिए सोच ही रहे थे कि गुरुजी दातू जी का पैर पकड़कर दबाने लगे और कहने लगे कि मेरे वृद्ध शरीर होने के कारण कठोर है, आप जी के कोमल चरणों को चोट लगी होगी, आप मेरे गुरुदेव के लड़के हैं, मुझे उठकर आप जी का आदर करना चाहिए था, मुझसे भूल हो गई है, मैंने उठकर आप जी का आदर नहीं किया, आप मुझे क्षमा करें, धन गुरु नानक। यह कहकर
गुरु जी अपने निवास स्थान पर आ गए और दातू जी गद्दी पर बैठ गए। दूसरे दिन जब कोई सिख दातू जी के पास भेंट लेकर माथा टेकने न गया तो संध्या समय उदास होकर गुरु जी के घर का कीमती सामान और चढ़ावा इकट्ठा हुई माया सब कुछ खर्च पर लाद कर खडूर को चल पड़े। धन गुरु नानक। रास्ते में रात के समय यह सब कुछ चोरों ने लूट लिया और दातू जी सेवकों के साथ खाली हाथ ही खडूर पहुंचकर बहुत पछताए। इसके अतिरिक्त एक बात और हुई कि जो टांगा दातू जी ने गुरु जी को मारी थी उसमें काफ़ी दर्द होना शुरू हो गया। धन गुरु नानक। धन गुरु अमरदास साहिब जी। धन गुरु अमरदास साहिब जी।